दोस्तों, रोजाना इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक सेंटर आशिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा कैसे करें, उसका तरीका क्या है और कब तक तौबा कर सकते हैं? आसिम भाई पटना से। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि तौबा करने के लिए तीन शराइत बयान किए गए हैं। नंबर एक, कि आप उस गुनाह के काम को छोड़ दें। नंबर दो, आप अपने गुनाह पर नादिम हो। नंबर तीन ये है कि आप पुख्ता इरादा कर लें कि उस काम को कभी नहीं करना है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयतों से हमें मालूम चलता है, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालों, तुम सब साफ दिल के साथ अल्लाह के सामने क्या करो, तौबा करो। इसी तरह हदीस में भी आता है कि عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر। عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک عالم نزع اس کے اوپر طاری نہ ہو جائے۔ इसका मतलब ये है कि इंसान का जब आखिरी वक्त चल रहा होता है तो इंसान को अपनी मौत का यकीन हो जाए कि अब उसकी रूह निकलने वाली है, उसकी रूह हलक तक पहुंचने वाली है, तब तक उससे पहले पहले अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन अगर उसको इस बात का इल्म हो जाए कि अब उसकी रूह निकलने वाली है और हलक तक रूह पहुंच जाए तो अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, तो इससे पहले पहले तौबा कर लेना ज़रूरी है हर आदमी के लिए।